हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, जो हमारा पार्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम लोग जानते हैं कि यंग्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द बेस्ट आइडिया अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को अरेंज किया, ठीक है। समटाइम्स बोर्ड में कभी कभी ये लिखने आता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसने सबसे पहले क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, दैट वन एस। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हुआ हमारा, ठीक है। और फिर इसको ये ज्यादा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हमारा हो गया सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या हो गया हमारा? सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। और फिर ये हमारा एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे, इसलिए हमने एक स्लिट लिया यहाँ पर, नैरो स्लिट। ये भी सोर्स एस जैसे ही बिहेव करे। फिर हमने क्या किया कि कुछ डिस्टेंस पर यंग्स ने डबल स्लिट लिया। इन्होंने ये हमारा डबल स्लिट है यहाँ पर, किसी को हम लोग कहते हैं डबल स्लिट, डबल स्लिट। फिर कुछ डिस्टेंस पे इन्होंने एक स्क्रीन सेटअप किया, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो हमारा लाइट है, ठीक है, ये सोर्स से वो इस तरह से बाहर निकल रहा है। इसको हम लोग क्रेस्ट कहेंगे, जो सॉलिड लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है उसे हम लोग ट्रफ कहेंगे। ये हमारा क्रेस्ट, ये ट्रफ, इस तरह से ये हमारा फैलते जाता है, ठीक है। और यहां के बाद यानी ये हमारा सोर्स जैसे ही बिहेव किया। अब देखिए, अब यहां से भी लाइट बाहर निकलेगा। यहां से देखिए ये क्रेस्ट, ये हमारा क्रेस्ट। यहां से भी लाइट बाहर निकला, यहां से भी लाइट बाहर निकला। ये सोर्स S1, ये सोर्स S2। अब यहां समझना है कि ये दोनों सोर्स जो है, ये मेन सोर्स इसी से निकल रहा है बाहर, ठीक है ना। तो इन दोनों का नेचर क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों से निकलने वाली लाइट क्या होगी? सेम वेवलेंथ होगा। इन दोनों से निकलने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। और इनिशियल जो यहाँ पर जो दोनों लाइट जो बाहर निकलेंगे, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ऐसा सोर्स S1 एंड S2 है ना, हमारा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या हो गया कि सोर्सेस ऑफ लाइट व्हिच इमिट्स व्हाट अ लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ एंड इनिशियल फेज डिफरेंस इज मस्ट बी क्या जीरो, है ना। अब देखिए कोहेरेंस, हम लोग दो अलग अलग सेपरेट सोर्स को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं बना सकते हैं। इसलिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को बनाने के लिए इन दोनों का सोर्स एक सेम सोर्स होना चाहिए, यानी दोनों जो S1 और S2 है वो सेम सोर्स से ही बाहर आना चाहिए, तब हम लोग ये कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट होंगे। अब देखिए, अब यहां पर ये हमारा क्या हुआ कि ये दो क्रेस्ट और क्रेस्ट, देखिए क्रेस्ट और क्रेस्ट यहां कट किया। तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव कट टू और फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर वेव, तब हम लोग वहां पर कहते हैं कि उस जगह पर हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट पैटर्न। यानी ये सेंटर पार्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पर ब्राइट पैटर्न आएगा, ब्राइट फ्रिंज आएगा यहाँ पर हमारा, है ना, ब्राइट फ्रिंज आएगा। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे ब्राइट फ्रिंज को? यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज को दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा ब्राइट फ्रिंज हुआ। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है ये भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में यहाँ इस तरह से क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलता होगा। दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन इन दिस प्लेस व्हाट, ब्राइट फ्रिंज। अब क्या होता है, फिर यहां से ट्रफ निकलता है। तो देखिए, अब ट्रफ यहां कट किया, देखो ट्रफ और क्रेस्ट एक दूसरे को कट कर रहा है, यानी इस पार्ट में हमें क्या मिलेगा, यहां डार्क पैटर्न मिलेगा,
ठीक है, यहां पर हमें क्या मिलेगा, डार्क पैटर्न। यानी एग्जैक्टली इस केस में क्या होता होगा, आप देख रहे हो कि एक वेव का जो हमारा ट्रफ है, क्रेस्ट है, वो दूसरे वेव के ट्रफ से कट कर रहा है। देखिए, इस वजह से हमें यहां पर क्या मिल रहा है, डार्क पैटर्न मिल रहा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आगे चलते रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो आप यहां तक बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से फिर हमारा क्या निकलता है, ट्रफ। देखिए, इस जगह पर क्रेस्ट और ट्रफ कट किया, तो नो डाउट यहां पर भी हमारा क्या हो गया, इस जगह पर भी हमें क्या मिलेगा, डार्क पैटर्न मिलेगा। अच्छा, डार्क पैटर्न मिलेगा हमें यहां पर, ठीक है, डार्क पैटर्न मिलेगा, यानी यहां पर भी हमारा क्या होता होगा, इस तरह से ये बिंदे होंगे, इस तरह का सुपरपोजिशन होता है, जिसके कारण हमें यहाँ डार्क पैटर्न होता होगा, फिर नेक्स्ट ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, एंड सो ऑन। यानी इस केस में ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंज। जो हमारा डिस्टेंस जो होता है ये सोर्स S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, और ये काफी नेरो होता है, बहुत थिकनेस इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर वो नेरो हो, आगे हम लोग कंडीशन दिखाएंगे, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, शार्प और क्लियर पैटर्न हमें मिलता है। और यहां पर भी देखिए, ये जो सोर्स हम लोगों ने यूज किया है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, अगर ये यूज करेंगे तभी हम लोग क्लियर और बिना ओवरलैप का और डार्क, एग्जैक्ट डार्क और एग्जैक्ट ब्राइट पैटर्न हमें मिलेंगे। अगर इनके जगह में, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के जगह में हम लोग पॉलीक्रोमेटिक, यानी अगर हम लोग व्हाइट लाइट को पास करवाया जाए यहां पर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर मोनोक्रोमेटिक को चेंज करके अगर हम लोग यहां व्हाइट लाइट दे देते हैं तो क्या होगा, तो व्हाइट लाइट की इंटरफेरेंस जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, और ये क्या होगी, जो पैटर्न्स जो हमें अभी ब्राइट पैटर्न्स मिल रहे हैं या डार्क पैटर्न्स मिल रहे हैं सेपरेट सेपरेट, इस तरह का पैटर्न हमें नहीं मिलेगा, वो ओवरलैप भी होगा और कलरफुल होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग व्हाइट लाइट से एग्जैक्ट इस तरह का पैटर्न हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता है। हमारे पास जो यहाँ S1 और S2 है, अभी हमने डील किया कि दिस S1 एंड S2 इज व्हाट, क्या हो गया, कोहेरेंस, कोहेरेंस सोर्स ऑफ लाइट हो गया, हमारा कोहेरेंस सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक, और हम लोग यहां पर ये भी देखते हैं इस केस पे कि यहां पर जो हमारे पास जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है वो इस तरह से होता है हमारा, कि हमारे पास डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ठीक है ना, इस तरह के पैटर्न हमें मिलते जाते हैं, इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहते हैं। और सभी का जो हाइट है, यहां पर एक चीज याद रखना है कि सभी का जो हाइट होता है, ये हाइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है, यानी सभी का हाइट क्या होता है, सेम होता है, और डिफ्रेक्शन में ऐसा नहीं होता है। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये देखिए ये मैक्सिमा हो गया, ये पहला डार्क आया तो डी वन, यहां भी डार्क डी वन, यहां पहला ब्राइट आया बी वन, यहां भी पहला ब्राइट आया बी वन, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे कि ये हम लोग ब्राइट और डार्क के लिए क्या क्या कंडीशन होता है और क्या जनरल पोजिशन होता है, क्या लीनियर सेपरेशन होता है यहां से, वो हम लोग सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, और इसको समझने में अगर कहीं दिक्कत होता तो कमेंट जरूर करें, मैं उसके अनुसार से फिर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।